आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पश्चिम से पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों के बीच जंग भी तेज होती जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गायों को कटने नहीं देंगे और किसानों की फसलों को बचाने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अवैध बूचड़ खानों को पूरी तरह बंद कर दिया है। गायों और किसानों की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाई जाएंगी। गौशालाओं के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे ताकि अन्नदाताओं को फायदा हो सके। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या हमारी आस्था का केंद्र है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसका देश को इंतजार था। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का श्रेय योगी ने पीएम मोदी को देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो काम करके दिखाया है जो 500 साल में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि अब जनता की बारी है। यूं उमड़ा जन सैलाब पीएम मोदी के कामों के प्रति प्रेम है। तो जिस तरह से अयोध्या में लगातार जनसभाएं हो रही हैं, रैली हो रही हैं और पांचवें चरण का जो चुनाव होना है उसमें धर्मनगरी, रामनगरी, अयोध्या भी शामिल है और लगातार वहां पे सीएम योगी की जनसभाएं और रैलियां हो रही हैं। और इन्हीं सबको देखते हुए जब अयोध्या में रैली करने पहुंचे तो ये बातें कही सीएम योगी ने। उन्होंने पूरा श्रेय, राम मंदिर का श्रेय पीएम मोदी को दिया और उन्होंने कहा कि ये जो जनसैलाब उमड़ा है पीएम मोदी के कामों के प्रति प्रेम है जनता का, तो प्रेम बताया है। साथ ही इस बार जो कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं और बीजेपी द्वारा जनसभाओं में जो सबसे बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो है राम मंदिर का, लेकिन इस बार गायों को कटने नहीं देंगे, बूचड़ खानों को बंद कर दिया गया है हमारी सरकार में और तमाम वादे करते हुए भी नजर आए। इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से सीएम योगी का ये बयान सामने आया है कि गौशालाएं बनाएंगे जिससे किसानों को फायदा होगा और जो गाय है वो भी सुरक्षित रहेंगी, क्या कहेंगे इस पे? चार चरणों के मतदान के बाद अब पांचवें चरण की बारी आ चुकी है। वहीं अब चुनाव जो है वो पूर्वांचल के अंदर में होगा। वहीं अगर बात करें तो 12 जिलों की लगभग 61 सीटों पर मतदान होना है। वहीं अगर बात करें तो आज योगी आदित्यनाथ की अयोध्या में आज रैली थी, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए, खासकर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पहले हर दिन दंगे होते थे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पहले जो सैफई महोत्सव था वो बस सैफई के अंदर में बनता था। साथ ही साथ अब जब से भाजपा की सरकार 2017 में आई है तब से हम हर एक जगहों पर एक समान अधिकार देखते हैं, बस एक जिले पे हमारी सुविधाएं नहीं दी जाती है। वहीं उन्होंने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि राम मंदिर के निर्माण में प्रधानमंत्री ने पूरी हर एक मुमकिन प्रयास को करते हुए राम मंदिर फैसले के साथ साथ पैरवी की और इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी कहा। वही आपको बता दें कि गायों का मामला जब से छुट्टा जो पशु है उनका विपक्ष मामला उठाते जा रहा है और धीरे धीरे ये मामला तूल पड़ते जा रहा है कि जो है जो छुट्टा जानवर है उनके मामलों को लेकर आज जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर हम फिर सरकार में आते हैं तो इन पे रोकथाम करेंगे और साथ ही साथ सरकारी गौशालाएं बनाएंगे। वही शिखा आपको बताना चाहेंगे कि जब 2017 में सरकार बनी थी तो उस समय भी मैनिफेस्टो में इन सब चीजों को रखा गया था और साथ ही साथ अति कुपोषित परिवारों को गाय देने की बात कही गई थी और आप इसका जो नतीजा है वो अब सब जनता के सामने है। जी शिखा, भाषण से पहले भी गौशालाएं बनाने के दावे वादे किए गए थे और ऐसा देखने को मिलता है कि गौशालाओं के हाल बड़े बेहाल है। जो छुट्टा जानवर है, गाय है, गौवंश है, वो खुले मैदानों में घूमते रहते हैं, किसानों की फसल खराब करते रहते हैं, किसानों को पूरी रात जागना पड़ता है और ये मुद्दा विपक्ष जोरों से उठा रहा है। तो अयोध्या जाके इस तरह का बयान देना, तो क्या 3 चरणों के 4 चरणों के जो चुनाव हो चुके हैं उसके बाद 5वें चरण के बीच पहले ये बयान देना, तो क्या इससे कुछ संभावना है कि योगी सरकार पर एक बार फिर जनता इन मुद्दों को लेकर भरोसा करेगी? जी, अगर बात करें तो आने वाले 10 मार्च को
इन सब चीजों से पर्दा हट जाएगा। वहीं अगर बात करें तो विपक्ष से जो छुटसा जानवर है उनके मामलों को शुरुआत से उठाता रहे, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से उनके मैनिफेस्टो में भी इन सब बातों को लेकर कहा गया है। वहीं योगी आदित्यनाथ आज कह रहे हैं कि जो छुट्टा जानवर है उन वो किसानों की फसलों को नुकसान कर रहे हैं, उनसे निजात दिलाएंगे। साथ ही साथ सड़कों पर भी आए दिन छुट्टा जानवरों से हादसे हो रहे हैं और इसके हादसे का शिकार अच्छे खासे मात्रा में लोग हो रहे हैं, इस पे भी उन्होंने निजात दिलाने की बात कही है। वहीं अगर अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार में कौन आता है और इन इन सब समस्याओं से कैसे निदान दिलाता है। जैसे कहा विभांशु बूचड़ खाने बंद करने की बात कही है, अभी तक के चुनावों में ये बयान पहले नहीं आया लेकिन अब आया है जब वो अयोध्या में है, पूरा फोकस अयोध्या पे नजर आ रहा है और धर्म से जुड़े और ऐसे जो ज्यादातर मुद्दे उठते रहे हैं अयोध्या में भी देखने को मिला है, तो ये सब जो अब मुद्दे उठ रहे हैं खासतौर से अयोध्या में चुनाव से पहले क्या कहेंगे? जी शिखा, अगर बात करें तो जो इस बार का उत्तर प्रदेश की राजनीति है खासकर बीजेपी के लिए, तो वो जो एपिसेंटर है उत्तर प्रदेश राजनीति का वो इस बार अयोध्या से शुरुआत हो रहा है। अयोध्या को एपिसेंटर बनाकर पेश किया जा रहा है, वहां से योगी आदित्यनाथ अगर कुछ बोलते हैं तो वो पूरे प्रदेश के अंदर में आसानी से फैल सकता है। तो वही आज वो बूचड़ खाने के तालाबंदी को लेकर उन्होंने बताया है कि अगर हम फिर से आते हैं तो बूचड़ खानों को बंद करेंगे। वहीं आपको बता दें कि ऐसे कई सारे प्रतिबंध लगाए गए मगर जमीन पर वो कारगर नहीं दिखे, तो अब आने वाले 10 मार्च को जनता इस चीज को तय करेगी कि वो किनके वादों में आती है और वो किस पार्टी के साथ मिलकर और किसके जो तमाम मैनिफेस्टो में वादे किए जा रहे हैं, चाहे वो बात की जाए आवारा पशुओं की चाहे बूचड़ खानों की, तो वो आने वाले 10 मार्च को उसका फैसला जनता करेगी। जी सिखा, विभाषु पहले के 3 चरण बीजेपी के लिए काफी कठिन माने जा रहे थे, चौथा चरण सामान्य रूप से निकल गया, आगे आने वाले जो चरण है वो थोड़े आसान बताए जा रहे हैं बीजेपी के लिए, और अगर पांचवें चरण की बात करी जाए तो उसमें धर्म नगरी मुख्यता है, वो अयोध्या हो प्रयागराज हो, तो इसको देखते हुए क्या लगता है पांचवा चरण कैसा जाने वाला है बीजेपी के लिए और जितने प्रचार प्रसार किए गए हैं जनसंपर्क किए गए हैं उसको देख के क्या लग रहा है? जी अगर बात करें तो जो शुरुआत के 3 चरण है जो राजनीतिक विश्लेषक है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये भाजपा के लिए नुकसान है वहां पे, और वहीं अगर बात की जाए तो चौथे चरण के बाद से अवध और जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां से बीजेपी एक बढ़त बनाते हुए दिख रही है। वहीं अब ये चुनाव पूर्वांचल की तरफ रुख ले चुका है, बाराबंकी समेत उन तमाम जिलों जो पूर्वांचल के मुख्य जिले हैं और खासकर अयोध्या और प्रयागराज यहाँ पे मतदान है, तो जो आशा अपेक्षा है बीजेपी की तरफ से कि हम यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वहीं विपक्ष की तरफ से चाहे अखिलेश की बात की जाए चाहे प्रियंका गांधी की बात की जाए वो भी पूरे दमखम लगाकर हर एक मुमकिन प्रयास को कर रहे हैं, अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी को काफी ऐसी उम्मीदें हैं बीजेपी खासकर पूर्वांचल से कि वहां हम अच्छा करेंगे, और आने वाले 10 मार्च को जो मतदाता है वो मतदान के बाद और आने वाले मतदान की मतगणना के बाद इसमें फैसला हो जाएगा। जी शिखा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो पूर्वांचल में सियासी पारा बढ़ चुका है, पूर्वांचल में सियासी जंग तेज हो गई है और बयानों के दौर भी लगातार चल रहे हैं, और अब प्रचार थम जाएगा आज और अब अयोध्या प्रयागराज जैसे कई जिलों में पांचवें चरण का चुनाव है जो कि काफी अहम माना जा रहा है। रुक करते अगली खबर की तरफ, पांचवें चरण के चुनाव में सबकी नजरें कौशाम्बी जनपद की सिराथू सीट पर भी है। यूपी चुनाव के लिए कौशाम्बी जनपद की सिराथू सीट पर प्रचार के लिए पहुंची डिंपल यादव ने मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस दौरान सीएम योगी के कपड़ों को लेकर भी कटाक्ष किया। डिंपल ने मंच से सवाल किया कि लोहे में लगी जंग का रंग कैसा होता है, जिस रंग के मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं वैसा होता है, ऐसे जंग वाले मुख्यमंत्री को हटाने का समय आ गया है, ऐसे मुख्यमंत्री को लाना है जो यूपी को विकास के पथ पर आगे ले जाए। बता दें कि इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उतरे हुए हैं, जिनके समर्थन में बीजेपी से मुलायम यादव की बहू अपर्णा यादव प्रचार कर रही हैं, यानी कौशाम्बी जनपद की सिराथू सीट पर प्रचार के लिए यादव परिवार की दोनों बहुएं आमने सामने हैं।
खबर लखीमपुर से है, जहां यूक्रेन रूस के युद्ध में यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही छात्रा के परिजनों ने इंटरनेट के जरिए अपनी बेटी उम्मी खातून से बात की। वहीं अब परिजनों ने भारत सरकार से अपने बच्चे को स्वदेश बुलाने की अपील भी की है। अच्छा, खाना वाना है, सब्जी पानी, खाने वाने का इंतजाम कर लिया है, लेकिन पानी चला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भी काट दी जाती है। अच्छा। तो उस कंडीशन में और ज्यादा हालत खराब हो जाते हैं। आज सुबह इलेक्ट्रिसिटी हुई थी, ज्यादा ज्यादा चांसेस है कि जब ये होगा कुछ ऐसा फिर इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, नेट ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा। और इस खबर पर हमारे सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता धीरज तिवारी जुड़ चुके हैं लखीमपुर से। धीरज, खबरें सामने आ रही है ये काफी डराने वाली भी है, और कई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ने गए थे यूक्रेन, वहां पे फंसे हुए हैं, तो परिजन क्या अपील कर रहे सरकार से? देखिए, बिल्कुल बता दूं, यूक्रेन और जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लखीमपुर खीरी तक जिसकी आंच जो पहुंची हुई है, वहां पर लखीमपुर खीरी के जो खीरी टाउन की जो छात्रा एमबीबीएस की पढ़ाई करने जो यूक्रेन गई हुई थी, जहां पर उम्मी खातून की जो कल उनके परिजनों से बात हुई है, तो उन्होंने इंटरनेट के जरिए वीडियो कॉलिंग करके जो अपने परिजनों से बात की, उसमें अपने अपने जो दुख है बताया कि वहां पर जो युद्ध छिड़ गया उसमें किस तरीके के हालात हैं, और अपने परिजनों से गुहार लगाई है कि हमें यहाँ से बुला। वही जो यूक्रेन में अन्य भी छात्र फंसे हैं, वो भी पूरी तरीके से भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हमको वहाँ से अपने देश बुला लिया जाए। और उनके जो परिजन है वो काफी मायूस दिख रहे हैं। हम परिजनों से बात भी हुई है तो परिजनों ने साफ तौर से बताया कि हमारी जो अपेक्षा है वो भारत सरकार से बिल्कुल अपेक्षा है, और कहीं ना कहीं वो जो भारत के छात्र फंसे हुए हैं, हमारी लड़की भी फंसी हुई, तो उसको भी बिल्कुल सकुशल देश लाया जाएगा। हमें इस तरीके का विश्वास है पूरी तरीके से, सरकार हम लोगों की मदद भी करेगी। जी धीरज, धैर्य तो बंधाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से छात्रा ने बताया कि कई कई पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और खाने पानी की जो व्यवस्था बताई उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल छात्रा ने बताया कि खाने पीने का जिस तरीके से थोड़ा बहुत इंतजाम किया जा रहा है, पानी भी कम मिल रहा है और बिजली भी काटी जा रही है, तो कहीं ना कहीं से जो छात्र है पूरी तरीके से वहां पे जो है कई बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ लखीमपुर से संवाददाता धीरज जुड़े थे। तो लखीमपुर के ही नहीं बल्कि यूपी के कई ऐसे छात्र हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए और कई कामों के लिए यूक्रेन गए हुए थे, जो कि वहां पे फंसे हुए हैं, और अब यहाँ पे परिजन परेशान हो रहे हैं और उनको घर वापस लाने की सरकार से अपील की जा रही है। इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं परिवार अपने बच्चों के साथ, अपने परिजनों के साथ। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर मैनपुरी से है, जहां की मेडिकल छात्रा स्नेहा यादव यूक्रेन में फंस गई है। स्नेहा के घर वाले लगातार स्नेहा से फोन पे बात करके उसे हिम्मत दे रहे हैं। आपको बता दें कि छात्रा के घर वालों ने पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्रालय से भी मदद की गुहार लगाई है। युद्ध की स्थिति है यूक्रेन में, लगातार वहां पे बमबारी हो रही है, और ऐसे में सभी डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन जो भारत के नागरिक वहां पे फंसे हुए हैं उन्हें धैर्य बंधाया जा रहा है और मदद की गुहार लगाते परिवार और छात्र नजर आ रहे हैं, और भारत में भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करके यहाँ लाया जा सके। लेकिन जिस तरह की युद्ध की स्थिति बनी हुई है, एयरबेस बंद है और लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसे में सुरक्षित नहीं है और आसान भी नहीं है वहां से अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करवा पाना। हालांकि पहले ही चेतावनी दी गई थी कि अमेरिका ने भी अपने कई नागरिकों को चेतावनी दी थी कि जो भी लोग वहां पे फंसे हैं या फिर काम कर रहे हैं, गए हुए हैं, रहते हैं, तो वो वापस अपने देश लौट आए। और ऐसे में कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिन्हें लग रहा था कि सिर्फ इतने दिनों से बातें हो रही हैं, कोई हमला नहीं होगा, लेकिन अचानक से रशिया द्वारा जो हमला किया गया है उसके बाद से ही सभी परेशान है। पूरी दुनिया की नजर इस युद्ध पे है, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये युद्ध नहीं थमा तो विश्व युद्ध
हो सकता है और विश्व युद्ध को टालने के लिए लगातार भारत भी शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। बीती शाम ही प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से बात करी और जो स्थिति उसको सामान्य करने की अपील भी की गई है, शांति व्यवस्था कायम करने की अपील की गई है। और इन सब को देखते हुए ये माना जा रहा है कि भारत सरकार पूरी जोर लगा रही है और कोशिश कर रही है कि स्थिति सामान्य हो जाए, क्योंकि सबकी नजरें भारत पर है। क्या अपील करना चाहते हैं? मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को सपोर्ट करने के लिए थोड़ी हेल्प करें और कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उसको डायरेक्ट करें कि बच्चों को जो फ़ोन कर रहे हैं तो उनका फ़ोन उठाया जाए और उनको हेल्प दी जाए, जो कुछ हो हेल्प हो सकती है। बच्चों की फ्लाइट भी अभी तो कैंसिल हो गई, बीच में से लौट रहे हैं, बीच में लटक रहे हैं, खाने पीने के लिए कोई सुविधा नहीं है, जर्नी के लिए कोई सुविधा नहीं है, अभी लोकल से जा रहे हैं। और मैं फॉरेन मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हेल्प करें बच्चों, कि चार बच्चे और साथ में जो थे बीच में उतर गए, उनका कोई पता नहीं है। उन्होंने बीच में एक बार बच्चों से कांटेक्ट किया था, बताया कि हम जहाँ पे उतर गए वहाँ फायरिंग हो रही है, आप लोग ट्रेन से उतरना मत। मैनपुरी से ये खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे छात्र हैं जो कि पढ़ने के लिए यूक्रेन गए हुए थे, वहां पे फंसे हुए हैं और अब परिजन परेशान हैं, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन में मेडिकल की एक और छात्रा फंसी हुई है मैनपुरी से। भारत सरकार द्वारा कदम तो उठाया जा रहा है लेकिन अभी भी गुहार लगाई जा रही है। माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, जल्द से जल्द घर वापस बुलाना चाहते हैं। भारत सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, बात करी जा रही है। बीती शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ, कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करी, विदेश मंत्री भी थे और तमाम मंत्रियों के साथ बैठक करके उन्होंने फैसला किया कि वो रशिया से बात करेंगे, क्योंकि दोनों भारत और रशिया के बीच मित्रता है, तो सबकी नज़र इसी चीज़ पर है कि वो समझाएंगे, यानी भारत समझाएगा रशिया को तो मामला शांत हो सकता है। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मुनीष मिश्रा जुड़ चुके हैं। मुनीष, जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं, ये परिवार के लिए कठिन समय है और ऐसे में परिवार भी सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है, क्या कहना है परिवार का? जी मैं आपको बता दूं, परिवार का ये कहना है कि मैं आपको बता दूं, मैनपुरी जनपद में करीब 10 लोग ऐसे हैं जो यूक्रेन में प्रेजेंट टाइम में फंसे हुए हैं। तो परिवार ये कह रहा है कि विदेश मंत्रालय से भी अपील कर रहा है और पीएम से भी अपील कर रहा है कि हमारे बच्चों को सकुशल मैनपुरी वापस लाया जाए। बच्चे से उनकी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि कल उनकी फ्लाइट आने वाली थी लेकिन युद्ध शुरू हो गया था, उस वजह से फिर वो आ न सके। जी मुनीष, के स्नेहा के अलावा भी और कई छात्र हैं जो कि जिले से हैं और यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जी जी मैं आपको बता दूं, 10 करीब छात्र हैं, करेल से भी हैं 2 और इधर भोगांव से भी हैं। जी, जिस तरह से भारत सरकार द्वारा कदम उठाया गया है, बातचीत चल रही है, शांति व्यवस्था बनाने की अपील की गई है रशिया से, तो इसको देखने के बाद परिजनों का क्या कहना है? जी परिजन अभी तो संतुष्ट हैं पर सरकार की नीति को देख करके, क्योंकि सरकार ने यूक्रेन से बात की है लेकिन अभी वॉर की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन छात्रों से जब माता पिता की बात हुई तो छात्रों ने ये कहा है कि अभी जो है हॉस्पिटल में बंकर बना के हम लोग रह रहे हैं, अभी फिलहाल सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता मुनीष मिश्रा जुड़े हुए थे मैनपुरी से। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।